Padayan dali. दिखाई नहीं देते हैं।
मान्यता है
उसका रहा हुआ शब्द को हाथ को ही तुरंत शुरू हो जाता है चर्चा यदि रहा हुआ तो मेरे से था ना लेकिन अंतर आया क्या फिर अभी भी फाइल किया उसको जो है ये राजकुमार है करके जो है लोगों के सामने एक प्रकार से उसका प्रभु मिलने के बाद ऐसा इतना ही मानता था ना ठीक उसी प्रकार का अभिषेक आपकी हमारा चित जो है वो स्वरूप है उसको जो है गुरु हमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो जो एक प्रकार से आखन शक्ति का सो है हम हैं उत्तर तो की हमारा अंदर जो है उसको जो प्रकट के देखो तुम आधे तारा हो तुम अपने को आधे तारा समझो लेकिन तो आज से मैं तुम्हें आधे तारा के रूप में आवश्यक करता हूँ मान्यता देता हूँ इतना मतलब है ठीक तो अभिषेक का इसको आप लोगों को समझना चाहिए कि अभिषेक का अभिप्राय जो है गुरु के द्वारा प्रमाणित गुरु के जैसे राजा राजकुमार को अपना राज्य की सौंपते हैं उसी प्रकार हो रहा है ऐसा अपने को मानना चाहिए या फिर और उसी के तरफ दूसरी दृष्टि से या दूसरा उपमा दे करके अगर मैं कहूँ एक प्रकार से अभिषेक का अभिप्राय यह है कि आपको आर्य कारा से जो है परिचय कराया जा रहा है आर्य कारा से आपको जो क्या है परिचय कराया जा रहा है जैसे कि किसी से मनमोहन सिंह जी से परिचय करना इतना आसान नहीं है ना भारत के प्राइम मिनिस्टर से परिचय मिलना तो कोई जानकार का व्यक्ति होना चाहिए उनके आस पास रहने वाला कोई आदमी होना चाहिए तभी जा करके तो हम वो जो है आसानी से पीएम के ऑफिस में जा करके उनसे मुलाकात हो सकेगी ना तो इसी प्रकार गुरु क्या कर रहे हैं हमको गुरु हमें जो है हम लोगों को इस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर से कोई जानकार आदमी होना उसका रिलेटेड या उसका ऑफिसर मिला रहे हैं तो है उसी प्रकार के गुरु हमको जो है आगे तारा के साथ मिला रहे हैं संबंध बना रहे हैं परिचय दे रहे हैं तो गुरु का मात्र कर्तव्य इतना ही परिचय देना परिचय आपको मनमोहन सिंह के साथ किसी आदि व्यक्ति ने ले लिया अब उसके पश्चात आप पर निर्भर है कि आप जो है मनमोहन सिंह जी के साथ कितना संबंध स्थापित करके रख सकते हैं कितना व्यवहार कुशलता के साथ आप उनके इर्द गिर्द रह सकते हैं या उनके आदमी बन सकते हैं है नहीं वो आप पर निर्भर है तो अगर आप उसके साथ निरंतर सहयोग करते रहेंगे उनके साथ मित्रता बनाए रहेंगे तो जो संसार का जो कुछ भी आपको प्राप्ति करना है वो आदमी से मिल सकता है ना ठीक उसी प्रकार गुरु जी ने हम लोगों को तारा के साथ परिचय करवा दिया है आज अवलोकित पेशों के साथ परिचय कराने जा रहे हैं अब हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग कितना जाप करते हैं कितना साधना करते हैं कितना उसके अनुरूप काम करते हैं अगर ऐसा कंटिन्यूस करेंगे तो तभी जा करके हमको जो है निश्चित रूप से तारा का वरदान हमको मिल सकता है अवलोकेश्वर का वरदान हमको मिल सकता है वो आपको मिल रहा है परिचय मिल गया और फोन है तो कोई पूछेगा नहीं तो किसी से आप फायदा नहीं ले सकेंगे तो फायदा लेने के लिए भी तो काफी प्यार की आवश्यकता होती है इसलिए ये साधना वजरयान कभी आप लोग सोचेंगे कि कुछ समझे नहीं क्या होगा ये सब हो सकता है दो तीन दिनों में लेकिन दो तीन दिन में आने वाला या समझने वाला चीज नहीं है ये तो मैंने पत्तों ही कहा था किसी चीज में विशेषज्ञता प्राप्ति करने के लिए वर्षों वर्षों लगता है बिना वर्षों लगे लगे एक लड़के ने एक वर्ष चुन लिया और तारा का साक्षात्कार हो जाए और उसका वादन मिलना भी हो जाए ऐसा तो संभव नहीं है वो तो किसी भी फील्ड में किसी भी फील्ड में नहीं है इसलिए कम से कम इतना तो जान लें अगर आप वास्तव में श्रद्धा रखते हैं विश्वास करते हैं वजरयान में अंतर्यान में तो मैं समझता हूँ कि स्टेप से परिचय हुआ है उसमें विश्वास कीजिए और ये साधना कीजिए जाप कीजिए तो निश्चित रूप से उसका फल जरूर ही मिलेगा तो अगर आप ई स्टेप के रूप में ज्ञान भावना साधना करते हैं तो मैं समझता हूँ इस दुनिया में सिर्फ मानव जाति ही नहीं अनेक प्रकार के जाति इसमें जो है वो आसुर देव अनेक प्रकार के योनि हैं शक्तिशाली मैं समझता हूँ कमी है अगर आपके अंदर मंत्र का बल अगर पैदा हो जाता है निश्चित रूप से आप आसुरों से भी काम करवा सकते हैं मैं समझता हूँ देवताओं से भी आप काम करा सकते हैं देवताओं के साथ भी आप डायलॉग कर सकते हैं ये जो है साधना पर निर्भर है समर्पण पर निर्भर है ऐसा
कमीज संभव हो सकते हैं अगर तिब्बत के ये ग्रेट ट्रांसलेट रोचावा इंजेंजन हो जो दसवीं शताब्दी में होगी उनके इतिहास में मुझे लिखा है कि वो जो है आंखों से भी काम करवाते हैं एक ही दिन में उन्होंने तीन विकार बनाया एक लाहौर स्पीति में बनाया स्पीति में बनाया एक लाहौर में बनाया एक इंदौर में एक दिन में तीन जगह पर मोनेस्ट्री डिस्टर्ब कर दिया दूसरे दिन वो के लिए वहाँ पर मंदिर खराब हो गया है तो वो के कहा जाता है कि आप लोगों का ये भी तो हम लोग तो 21वीं सदी के लोग हैं शायद विश्वास नहीं हो ये कल्पना की बात है कह सकते हैं लेकिन इसकी स्थिति तो काम मैंने किया था अगर पांचवी या छठी शताब्दी में ई मेल की बात करें तो विश्वास नहीं करेगा लेकिन आज से किसी को आप विश्वास करें या ना करें वो आप पर निर्भर है तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से वजरयान पर तो आपको विश्वास होगा ना इसलिए तो आपके पास बहुत काल व्यस्त होते हुए भी यहाँ यहाँ मंदिर सब इग्नोर करते हैं निश्चित रूप से शाखा होते ही यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं अन्य तभी क्यों आएंगे इसलिए मुझे विश्वास है वास्तव में आप लोगों को जो है आप लोगों के अंदर वजरयान के प्रति शाखा होगी अब वजरयान क्या है तो वजरयान यही है बाकी क्या है क्योंकि बहुत ज्यादा विश्लेषण करने की चीज है नहीं वजर क्या है नारियों के साथ अनडिस्ट्रेक्टेबल जिसे काफा नहीं किया जाता है काफा नहीं किया जाता देर नहीं किया जाता अनडिस्ट्रेक्टेबल वो एक है नारियों है तोड़ा नहीं किया सकता है उसी प्रकार क्या है वजह से हम लोगों का माइंड कहना हम लोगों का कॉन्शियसनेस कहना हम लोगों का प्रिमोरियल माइंड जो है वो है प्रिमोरियल माइंड प्रिमोरियल विजडम है वो है वो वजह है वही वजह है वो आदि से है ना आदि से निरंतर जैसे अंतरशत हुआ अंतरशत हुआ से आप पानी व्याकरण में ले करके आप बोल रहे थे लेकिन अंतर का सामान है अंतर को सीधी अनुवाद किया जित किया जित का आपने कंटिन्यू अंतर का आपने कंटिन्यू तम नहीं की विस्तार है ये जैसा करके कानी ने तो अपना दर्शन में ऐसा व्याख्या किया है जैसे अंतर की विज्ञान है लेकिन क्या है अंतर का आपने कंटिन्यू कंटिन्यूस जो काम कहते हैं तो उसका आदि नहीं होता आदि जो कंटिन्यूस नहीं होना जहाँ आदि हो उसको कंटिन्यूस नहीं कहेंगे ठीक है कहीं अंत हो उसको भी कंटिन्यूस नहीं कहेंगे तो कंटिन्यूस का आप अनंत से अनंत वो क्या है वो चित्त है वो परमात्म चित्त है जो देवता का रूप है जो जिद है वो अगर वो जिद है वो चित्त वो परमात्म चित्त जिसे हम वजह कहते हैं अगर वो न होगा ना फिर तो आध्यात्म भी नहीं फिर तो कंजर भी नहीं है बुद्ध भी नहीं है कुछ भी नहीं कोई नहीं फिर तो हम बड़े साइंटिस्ट हुए मारे तो ये मिट्टी में बदल गया पत्थरा तो लेकिन बुद्धता है बुद्धता होने का कारण है कि ये हमारा चीज जो वजन के सदिश है वो जो है आगम मनो से बिल्कुल साफ है स्वच्छ है हमको जो है इनिशिएशन के द्वारा एक प्रकार के समझिए कि सूरज ये है कि बादल से ढका है सूरज बादल से ढका है लेकिन तो सूरज तो नहीं ढका है तो सूरज और हमारे बीच में बादल आ गया है अन्यथा सूरज को कोई डर नहीं सकता है सूरज को कोई टावर नहीं कर सकता है लेकिन इसके बीच में टेम्पररी एक प्रकार से आप सोचिए कि बादल कह रहा है उसी प्रकार हमारा आप ये मोड है ना तो आप सब चीज को कवर किए हैं वास्तविकता को देखने के लिए हमको नहीं दे रही है अन्यथा वो तो प्रभाव में है तो उसको जो है आगंतुक मनों का शल्य करना है आगंतुक मनों को धोना है वो काय से संबंधित वाक से संबंधित चित्त से संबंधित जो नेल है जो बादल है जो डस्ट है उसको जो है अभिषेक के द्वारा कलश अभिषेक के द्वारा काय के डस्ट को साफ करना क्लीन करना वाक के ये क्या कहते हैं मंत्र के इनिशिएशन के द्वारा जो रिसिटेशन के द्वारा जो वाक से संबंधित जो मन है उसको धोना है और जो बलि दिया था सेवा उसके द्वारा जो है क्या है चित्त के आगंतुक मनो को क्षय करके उस प्रभाव को प्रकट करना है एक प्रकार से वजरयान का साधन ये है अगर इसमें विश्वास है तो हम वजरयान का साधन कर सकते हैं अगर इसमें विश्वास नहीं है बहुत ज्यादा तो हम वजरयान बताए ना कहने के लिए समझता है कि कुछ उससे वजन करने वाला है ठीक है ये एक प्रकार से एक मैंने क्या है सामान्य अभिषेक क्या है और वजरयान क्या क्या हो सकता है अंतर क्या हो सकता है इसके बारे में कहा फिर आज का विषय तो ये अवलोकेश्वर के बारे में है अवलोकेश्वर के संबंध में
कई वो है इसके इतिहास हैं, क्योंकि मुख्य रूप से दो प्रकार का इतिहास प्रचलित है, एक भारतीय परंपरा है, एक चाइना का एक परंपरा है, चाइनीज में भी एक परंपरा है। चाइनीज में अवलोकेश्वर को क्वेंजिन करके कहते हैं, क्वेंजिन चाइनीज लोग कहते हैं, जापानीज लोग कैनन कहते हैं, जो कैनन केवा है ना, कैनन केवा जो अवलोकेश्वर के नाम से है, वो गुड़िया जो है उसका मालिक जो है कैनन का मालिक अवलोकेश्वर के परिवार के पास है। इसलिए जो है आपने इसके भक्ति के चलते उन्हें अपना केंद्र का नाम कैनन डाल दिया, तो कैनन का मतलब है जापानीज भाषा में कोई अवलोकेश्वर है। तो भारतीय परंपरा के अनुसार अवलोकेश्वर को हम पुरुष के रूप में मानते हैं, पुरुष के रूप में अवलोकेश्वर ये जो चार फल है ना ये पुरुष के रूप में है। इस इनके संबंध में जैसे भारती जी ने कहा था करणवीय सूत्र है संस्कृत में उपलब्ध होती है, करणवीय सूत्र संस्कृत में आदि है, तो उसमें लिखा तो इस पर अवलोकेश्वर को प्रोफेसर शंकर जी ने नेगी में बहुत डिटेल से लिखा है, अवलोकेश्वर का कैसे साधना होगा उनका हिस्ट्री बारे में जो करणवीय सूत्र अवदर्शन में आया था वो आपने भी लिखा है। इसी समय अवलोकेश्वर जो है वो भारतीय परंपरा पूर्व वर्ग परंपरा के अनुसार बोल रहे भारतीय परंपरा तो रतनगढ़ तथागत रतनगढ़ के अनंत हुए हैं, तथा एक बुद्ध नहीं है, बुद्ध के अनंत हुए अनेकों बुद्ध हुए हैं, क्योंकि हमारी सृष्टि का आदि किसको पता है, सृष्टि तो अनंत है, सृष्टि एक अनेकों अनंत ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, दूसरा बनेगा किसी किसी जगह पर और सृष्टि का निर्माण हो रहा है, किसी किसी जगह पर सृष्टि का जो है प्रलय हो रहा है, किसी किसी का सृष्टि जो है विज्ञान अनंत बुद्धिज्म के अनुसार जो है करोड़ों करोड़ों संख्या में वो है लोक है सृष्टि है प्रकृति है, तो किसी इसलिए जो है तथागतों की संख्या अनंत है, अनंत है कहा जाता है बोलों के अनुसार इस कल्प में इस भगत कल्प में 1000 बुद्ध होंगे, शजामी बुद्ध चौथा है, पांचवा मैत्री बुद्ध है, इसी प्रकार और 99 बुद्ध आएंगे, उस दिन जो ये संसार प्रलय हो जाएगा, फिर यहाँ के कहानी कहीं दूसरे जगह पर तैयार जो भी होगी ये जो है वो एक बात है खैर उसमें नहीं जाने चाहूंगा। फिर यहाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि अवलोकेश्वर किसी समय में चक्रवर्ती राजा के पुत्र के रूप में राजकुमार के रूप में जन्म लिया था, और उन्होंने रतनगढ़ उन्होंने बोधिचित की दीक्षा लेकर के बोधिचित उत्पन्न करके उन्होंने ये प्रतिज्ञा किया था कि जब तक ये आकाश रहेगा प्राणी रहेंगे तब तक मैं बोधिसत्व प्रचार करते हुए बोधिसत्व प्राणी मात्र का कल्याण करूंगा दीप करूंगा, इसी में मुझे सुखी है, इसी में मुझे शांति है, यही मैं चाहूँ, वो निश्चय करके बोधिचित उत्पन्न करके बोधिचित उत्पन्न किया था, और फिर उन्होंने ये प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपने नाम का वो करता हूँ, अपने नाम को आविष्ठित करता हूँ, अपने नाम को मैं पवित्र करता हूँ, है ना, मानी कर्म जो क्या है अवलोकेश्वर का नाम है, अवलोकेश्वर का नाम क्या है वो मानी कर्म, ओम तो सिर्फ जस्ट वो मंत्र का एक प्रकार से नेतृत्व करने वाला है, ओम ओम का व्याकरण तो कल आप लोगों ने समझ लिया, ओम क्या आ ऊ म से बना हुआ है, तीन अक्षरों से बना है, आ आ क्या है एम्प्टीनेस का बोलक है, आ आग है क्या है जीनस है, है तो ऊ क्या है आप एंजीनियर दामोदर और वो दामोदर का भगवत है, दामोदर को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, एंजीनियर को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, दामोदर को व्यक्त उसी प्रकार आग है दामोदर का भगवत है, ऊ जो है उपभोग का है, उपभोग का है संभोग का है इंजॉयमेंट बोर्ड उपभोग का है, ऊ आ ऊ से उपभोग का है इंजॉयमेंट बोर्ड कहते हैं उसका प्रतिरूप है, और मां का निर्माण का मां के रूप में क्या है निर्माण का बोल मैनिफेस्टेशन बोल, इसीलिए आप मां में क्या है धर्म का है संभोग का है और निर्माण कार्य का बोध है, कोई भी बुद्ध ये त्रिकाय त्रिकायात्मक होते हैं, बुद्ध जो है क्या है त्रिकायात्मक होते हैं, कोई भी जितने देवता जो है क्या है त्रिकायात्मक, इसलिए अवलोकेश्वर भी त्रिकायात्मक है, इसलिए उसके मंत्र के सिर पर ओम है, क्योंकि अवलोकेश्वर त्रिकायात्मक है, इसलिए ओम मन पर है मिन का नाम है मणिपरण पर उनका नाम मणिपुर विश्वपुत्र जैन मणि का है परमुश्लोक मणिपर मणिपर में उनका नाम है ना अवलोकेश्वर का नाम है, तो हूं जो है क्या है जो भी मेरे नाम को रिसर्च करेगा जो भी मेरे नाम का आवृत्ति करेगा उसके उसकी मनोकामना इच्छाएं मैं पूरा करूंगा
जो भी उसकी इच्छा है उसको मैं कंप्लीट करूंगा, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका मैं शेयर करूंगा, नाश करूंगा। ऐसा करके उन्होंने अपने नाम को स्वयं डिसाइड करके उसको पवित्र किया, उसको मंदिर के रूप में उन्होंने अधिष्ठित किया है। इसलिए अधिष्ठित करने के पश्चात उन्होंने स्वयं अपने नाम को अधिष्ठित करने के पश्चात तो अब हम अगर उनके नाम को रिसाइड करेंगे कि उन्होंने प्रतिज्ञा किया जो मेरा नाम को रिसाइड करेगा उसको मैं सहयोग करूंगा, है ना, उसका मैं जीत करूंगा। उसको उनका प्रतिज्ञा के चलते जो है यदि हम उस मंत्र को हम रिसाइड करेंगे तो जो भी इच्छित कामना है उसकी पूर्ति होगी, ऐसा मान्य है। अब तो अभिनंदन के रूप में ओम अभिनंदन करते हुए बोधि सत्व के रूप में चार्य करते आरती बोल बोलते अवधेश्वर जो है आरती है। इसलिए अगर आप श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक अगर उनको रिसाइड करेंगे आप देख सकते हैं, है कि क्योंकि उनका दया करना तो सभी रहता है, ये हमारे पास कमी है कि हम नहीं देख पा रहे हैं। उदाहरण के लिए कौन कह सकता है कि यहाँ पर जो तैसा नहीं होगा इस टेबल पर, कोई कह सकता है यहाँ पर जो है वो आतुर या बॉक्स या ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं कह सकता है। ये नहीं कह सकते कि इस टेबल पर प्रेत नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता है कि इस मकान के अंदर जो प्रेत आत्मा नहीं है, कोई नहीं कह सकता। लेकिन हम देख नहीं सकते ना, हम नहीं देख पा रहे ना प्रेत आत्मा को, लेकिन ये भी नहीं कह सकते ना इसमें नहीं, क्योंकि दूर जब उपदेश देते हैं देव भी आकर के सुनने लगते हैं, प्रेत भी आकर के सुनने लगते हैं, नारद भी आकर के सुनने लगते हैं, हम तो नहीं देख सकते ना, लेकिन वो उसको होता है। हमारी परंपरा के अनुसार जब भी उपदेश किया जाता है तुरंत ये कहते हैं नाम भाई का दुर्दन दुर्दन जगत में जितने भी प्राणी हैं के प्राणी मैं यहाँ पर अवलोकेश्वर के बारे में उपदेश दे रहा, जो भी इच्छुक है प्राणी जो भी सबको इच्छुक है वो सबको आमंत्रित है, आमंत्रित करते आओ आगे आप सुनिए करके ये हम लोग बोलते तो इसका अर्थ है होता। उसी तरह अवलोकेश्वर का सब क्या है सब क्या है, अब उसको जो है हमको जो है आप कितना आप ले सकते हैं कितना आपके अंदर से आता है तो उसको निर्भर करता है। तो ये इसलिए अवलोकेश्वर साक्षात कहीं देखी है करके हम लोग को देखा है करके सोचे हम लोग को जप करना है। जो भी हो ठीक है ना, तो मैं अभी ये बोल क्या रहा था किया था अपुरुष के रूप में अवलोकेश्वर अपने मंत्र को प्रतिज्ञा दिया था और फिर श्रद्धा पूर्वक आए प्रकट हो सकते हैं। ये एक इतिहास भारतीय परंपरा के अनुसार विशेषकर कलयुग सूत्र के अनुसार है। अब तीसरी बात कितनी है चाइनीज परंपरा के अनुसार चाइना में कहते हैं कि अवलोकेश्वर कमी है सभी महिला पुरुष ने वो अवलोकेश्वर को महिला बनाते हैं पुरुष नहीं बनाते हैं। फिर मैंने पूछा क्यों है तो वो लोग बताते हैं कि किसी युग में किसी काल में तो एक गांव में ऐसे दुष्ट लोग थे बहुत खराब लोग थे लोग जैसे आजकल ना बिहार में चौना पार्क है ना वहां पर बहुत खराब बनाने को आदमी रहता है वो याद करते हैं उससे शादी करूंगी। फिर एक महीने के बाद
और पता चलो जैसे इसको याद करके कौन गए फिर कहां से आओगे फिर आप क्या किया जाए फिर बाहर ठीक है अब ये होता है तीसरी बात असहाय पर जो आठ हजार वर्ष पुराना पहला पाठ होता है एक साल के अंदर जो सबसे पहले याद करके आएगी उसी के साथ काम करेंगे फिर शुरू किया उन लोगों ने रहता था तो एक साल बीते बीते एक और याद करके तो फिर टारगेट ठीक है आगे तो फिर शादी करूंगी शादी किया तो आप उन सबको तो लगभग पहले पालन का निकले का पास हो गया बड़ा चेरी का पास किया जिसमें जो है मानी मानी तक जो है दिमाग लड़ा करके याद किया उसका संस्कार तो देखे गए मंत्र के जपने से उसका संस्कार बैठता ही है अपने से जान करके इस रिसाइट करे तो होगा ही है नहीं भी करे अगर रिसाइट करे तो उसका मंत्र का पास पढ़ना तो होता ही है ये ऐसा नहीं है कि जानना नहीं पड़ता ऐसा नहीं जैसे कि मैं उदाहरण के लिए मैं कहूँ एक पॉइजन है ना पॉइजन जरूरी नहीं कि पॉइजन है जानकर ही हमको वो नुकसान हो जाएगा ऐसा नहीं है ना पॉइजन खा लिया तो हमको मरना है जरूरी नहीं है कि ये पॉइजन है जाने पहले तब खाने का भी नुकसान जाएगा ऐसा नहीं है ना पॉइजन खाने की वजह से क्या होता है नुकसान होना ही है उसी तरह मंत्र की रिसर्च करने से उसका फल तो होना ही है अब ये बात दूसरे है कि किस डायरेक्शन में फल होगा आपका उद्देश्य क्या है कितना रिसर्च किया ये दूसरा है उसी प्रकार सूत्र याद किया उसका शून्यता को समझने में प्रदीप्त समत्व को काफी को समझने में जैसा हुआ तो वो काम में प्रॉफिट कर लिया फिर अंत में उसके साथ शादी किया और एक साल के बाद संतान भी पैदा हुआ उसके बाद क्योंकि उनको तो वो क्रम में लोगों को लेक्चर करना था तो एक साल के बाद उसको जो है बीमारी हो गया कैंसर की तरह बीमारी हो गई फिर वो कमजोर होती गई और इस प्रकार एक डेढ़ साल के अंदर गुजरते समय वो उपदेश देती देखो होते हैं जिसे तुमने जो है अपने शरीर से ज्यादा चाहा है ना जिसके लिए तुमने इतना कुर्बान भी कर रात और दिन आसार से क्यों न चाहते आपके लिए जो कुछ किया था उसने वो शरीर दिया है अब जो है ऐसा कमजोर हो गया ये अब ऐसा करते करते धीरे धीरे वो अनित्यता का संसार का निस्सारता का असारता का उपदेश देते 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 वो जब हो गया पूरा शहर पूरा सिटी को बहुत धर्म है और वास्तविकता रियलिटी से उनको रियलाइज करा सके तो ऐसा एक कारण है क्या नाम है तो इसके आधार पर वो लोग आप लोग ईश्वर को महिला के रूप में पूजा करते हैं महिला के रूप में स्टैचू बनाते हैं तो ऐसा तो इसमें कोई फिर भी कोई कह सकते हैं कि आप लोग ईश्वर महिला है या पुरुष है ऐसा नहीं होता फिर वो भी एक मैटर है ना माइंड है माइंड तो पुरुष नहीं होता माइंड तो सभी नहीं होता है कि नहीं चित्त चित्त है ना उसमें पुरुष सभी का अंतर होता नहीं है उसमें होता नहीं है तो इसलिए जो है तो ठीक है आवश्यकता के अनुसार आवलोक ईश्वर पुरुष के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं आवश्यकता के अनुसार जो है ये आवलोक ईश्वर जो है सभी के रूप में भी पैदा हो सकते आवश्यकता के अनुसार किसी भी रूप में पैदा हो सके लोगों का कल्याण कर सकते हैं इसलिए हमको इस कंफ्यूज में भी नहीं रहना चाहिए इस संदेह में भी नहीं रहना चाहिए वहाँ तो सभी को आवलोक ईश्वर मानते हैं आप लोग कि आप कैसे कॉन्सेंट्रेशन है ये कॉन्सेंट्रेशन तो उन लोगों के लिए जो स्ट्रिक्ट है जो सरकारी विमान के देखते हैं जो चाहते के प्रभाव है उनके लिए सब श्रेणिया का स्वभाव है इसमें इसलिए जो है बहुत ज्यादा पुरुष और सभी ऐसा कुछ अंतर होता नहीं तो वास्तविकता में रियलिटी में जो तो इसलिए अब ये आरोप का एक पुरुष वाला भारतीय परंपरा वाला हो चाइनीज परंपरा वाला शादी वाला जो भी हो आरोप जो है एक क्या है फाउंडेशन की देवी है सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है ये एक प्रकार से लॉजिक भी है देखिए अगर आप कॉम्पिटिशन है ना आप कामना की मूर्ति है ना अगर आप कामना की मूर्ति है तो मैं समझता हूँ आपको तो सहयोग करने वाला तो आधार आएगा लाश आएगा आपकी इच्छा तो अपने से पूरा होगा नहीं चल मैं नहीं चाहता कि आप विश्वास से मैं भगवान को आपके प्रेम में अपनी इच्छा की पूर्ति कर ऐसा नहीं अगर आप कॉम्पिटिशन है सबके हितेशी है सबको सुखी देखना चाहते हैं तो क्या आपका इच्छा तो अपने से सिद्ध हो गया आप क्या चाहिए हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है हम बहुत स्वार्थ कह देते हैं हम बेचते चिंताते रहते हैं हम बेच करते रहते हैं मेल और ट्विटर पे बेच जाते हैं इसलिए हमारी समस्या है ना जिस व्यक्ति ने जैसा पूरा पानी को आपने माता के तरह समझ कर व्यवहार किया तो किसके पास रहेंगे वो आपको आत्मा छोड़ेगा कोई भी नहीं छोड़ेगा जिसको आप माँ के सर्विस मान करके जाए माँ के पास मांगने के लिए जाए माँ विरोध थोड़ी करेंगे कोई कर सकता है जो तू नहीं कर सकता तो इसी प्रकार से एक प्रकार के संपूर्ण प्राणी को महा की तरह समझ करके
आप व्यवहार करने को बन जाएंगे तो मैं समझता आप किसी की तो हो गया बोलता भी नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए अगर इसी में ऐसा सब लोग आपको जो है अपने बेटे के सामने मोड़ने लगेगा तो ठीक है ये स्वागत के लिए हम वहाँ बहुत ज़्यादा जाने के इसलिए कॉम्पिटिशन बहुत जरूरी है कॉम्पिटिशन हम आप देखिए जस्ट कॉम्पिटिशन एक